नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं हूं के साथ रोहित। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर किसी इंसान को सेकंड टाइम टीबी होता है तो क्या वो एमडीआर टीबी होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितनी भी वीडियोज में टीबी को लेकर या और हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल शाम को मेरे पास एक कमेंट आया था, तो जिसने कमेंट किया था उसने कहा था कि अगर आपको सेकेंड टाइम टीबी होता है, किसी पेशेंट को भी अगर सेकेंड टाइम टीबी होता है तो जो इलाज होता है 24 महीने तक चलता है। तो मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 24 महीने तक आपका ट्रीटमेंट टीबी का तब चलता है जब आपको एक्सडीआर टीबी हुआ है। एक्सडीआर टीबी का जो फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंसिवली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो अगर आपको एक्सडीआर टीबी हुआ है जो कि एमडीआर टीबी का भी एक खतरनाक रूप, मैं कहूँगा विकराल रूप होता है, तो सबसे खतरनाक टीबी में बात की जाए वो एमडीआर होता है। उससे भी जो खतरनाक होता है वो होता है एक्सडीआर टीबी। तो जो 24 महीने का जो ट्रीटमेंट होता है ये बेसिकली आपका एक्सडीआर टीबी का होता है। एमडीआर टीबी अगर आपकी डायग्नोस होती है तो आपका जो है इलाज 18 महीने तक चलता है। तो बेसिकली होता ही है कि अगर आपको एमडीआर एक्सडीआर टीबी, तो बेसिकली इसमें जो दवाइयाँ इसकी कोई भी फिक्स नहीं होती और बेसिकली डॉक्टर जो है कई तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं पेशेंट में। उसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि पेशेंट को किस दवाई खाने से आराम मिला है। जिस दवाई से भी खाने से पेशेंट को आराम मिलेगा उस दवाई को कंटिन्यू किया जाता है। साथ ही साथ 6 महीने तक इंजेक्शन भी रिकमेंड किया जाता है जो पेशेंट को रोज़ लगाना होता है ताकि उसकी एक्सडीआर या एमडीआर टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमडीआर टीबी बेसिकली होता क्या है। मैं बताना चाहूँगा इसमें मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप इस चैनल पर जाके जो है देख लीजिएगा। फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूँगा, देखिए अगर किसी इंसान को टीबी डायग्नोस हो जाती तो जो उसको दवाई दी जाती है बेसिकली 4 तरह के ड्रग्स से बनती है। पहला रिम्फॉर्मसिन, दूसरा आइजोनाइजेट, तीसरा पायराजिनामाइड और चौथा इथंबुटोन हाइड्रोक्लोराइड। 70 से 80% दवाइयाँ जो होती हैं इन्हीं 4 ड्रग्स से बनती है। तो जब ये दवा किसी पेशेंट को दी जाती है जिसको टीबी बीमारी है और इस दवा को खाने के बावजूद अगर जो बैक्टीरिया उस पर ये काम ना करें, यानी कि बैक्टीरिया दवा को उस पेशेंट को अगर दिया जाए उसके बैक्टीरिया ना मरे टीबी के, या उसके लक्षण जो है टीबी के वो कम ना हो बल्कि बढ़ते चले जाए, तो ये मान लिया जाता है कि जो दवा है वो उस पेशेंट पे काम नहीं कर रहा, यानी कि उस बैक्टीरिया इस दवा से नहीं मर रहे। तो ऐसे केस में जो है जहाँ पे दवा काम ना कर रही हो, जो नॉर्मल टीबी की दवा होती, तो ऐसे पेशेंट को मान लिया जाता है कि उसको एमडीआर या एक्सडीआर टीबी है। तो इसका होने के रीज़न क्या होते हैं कि एमडीआर टीबी क्यों होती है? तो रिसर्च ने कहा है कि इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि अगर आपको जब फर्स्ट टाइम टीबी हुआ था या सेकंड टाइम टीबी हुआ था, अगर आपने इलाज बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि ये होता है कि जैसे आप दवाई को 2 महीने 3 महीने खाते हैं तो 70% केसेस में देखा जाता है जो मरीज है पेशेंट है उसको पूरी तरह से आराम मिल जाता है। जो भी उसके लक्षण होते हैं या तो खत्म हो जाते हैं इलाज पूरा होने से पहले या बहुत हद तक कम हो जाते हैं, कि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। तो कुछ मरीज क्या करते हैं, वो जो ट्रीटमेंट है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि एक भी बैक्टीरिया अगर जिंदा रह गया वो आगे चल के फिर से जो है ग्रो करता है और तेज़ी से अटैक करता है, और बाद में उसी दवा को आप फिर से स्टार्ट करोगे जो आपको पहले खाई थी तो वो दवा उस बैक्टीरिया पर काम करना बर्न कर देती, फिर कुछ दूसरी तरह की दवाइयाँ चलाई जाती। वैसे तो कोई फिक्स नहीं होती एमडीआर की दवा, फिर भी डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई तरह की दवाइयाँ देते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए इलाज को आपको पूरा कंटिन्यू करना चाहिए। तो पहला रीज़न यही है कि अगर आपने कोर्स को बीच में छोड़ दिया तो एमडीआर हो सकता है या एक्सडीआर हो सकता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप किसी एमडीआर पेशेंट के संपर्क में आए हो, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को लंग्स टीबी है और उसे एमडीआर वाली है, यानी कि एक्सडीआर या एमडीआर है, उसके संपर्क में अगर आप आए हो और उसका उसने खांसा छींका, उसका बैक्टीरिया अगर आपके अंदर आ गया तो एमडीआर एक्सडीआर हो सकता है। तो ये 2 रीज़न है क्यों आपको एमडीआर या एक्सडीआर टीबी हो सकता है। और जो लोग ये समझते हैं कि सेकंड टाइम अगर आपको टीबी होगा तो आपको एमडीआर या एक्सडीआर ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसे में कई पेशेंट को जानता हूँ जिनको सेकेंड टाइम टीबी हुआ और सेकेंड टाइम टीबी होने पर भी उनको नॉर्मल टीबी हुआ, यानी कि उनका जो ट्रीटमेंट था वो 6 महीने से 8 महीने चला। जल्दी देखा गया कि जो किसी पेशेंट को अगर सेकेंड टाइम टीबी होता है, यानी कि नॉर्मल टीबी होता है, तो 6 के बजाय 8 महीने तक डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। वैसे 6 महीने में भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए 2 महीने का ट्रीटमेंट बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ है, लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि सेकेंड टाइम टीबी होने पर आपको एमडीआर ही होगा या 24 महीने तक आपको दवा खानी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों एमडीआर टीबी होता है मैंने इसका रीज़न बता दिया। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।